नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज यू एंड आई। और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस सोहिनी सरकार और शोभन गंगोपाध्याय इस साल शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन उनकी शादी के तुरंत बाद शहर में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनमें से कोई भी खुश नजर नहीं आया। आरजीकर मामले को लेकर इस दंपति ने साफ कह दिया था कि वे त्योहार नहीं मनाएंगे और उन्होंने मनाया भी नहीं, लेकिन दशमी के दिन सिंदूर खेला की तस्वीर जरूर देखने को मिली। जी हाँ, सिंदूर खेला इस दंपति ने जरूर खेला, जिसकी तस्वीर अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आरजीकर मामले के बाद सोहिनी सरकार ने विरोध और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। शोभन गंगोपाध्याय भी अपनी पत्नी के साथ नजर आए थे। भले ही वह अब आंदोलन में नजर नहीं आती, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी बात रखी है। इस साल उन्होंने अपना जन्मदिन भव्य तरीके से नहीं मनाया, जबकि शादी के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था। यहां तक कि पूजा में भी वे कहीं ऐसे नजर नहीं आए, लेकिन दसवें दिन विजयादशमी पर सिंदूर खेला की तस्वीर जरूर देखने को मिली। शादी के बाद सोहिनी सरकार का यह पहला दशमी था, यही वजह है कि यह दशमी उनके लिए खास रहा। इसी दिन उन्होंने सिंदूर खेला भी खेला और लाल साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहनकर उन्हें देखा गया। दोनों कपल को साथ में सिंदूर खेलते हुए देखा गया। इस पूरे मोमेंट को एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने फ्रेम किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट किया। संयोग से सोहिनी सरकार उत्सव में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने एक काम के लिए कई पूजा विज्ञापनों में अभिनय किया और इसी वजह से उन्हें काफी व्यंग्य का सामना भी करना पड़ा। तो जैसा कि आपने ये खबर देखी, इसी तरह की तमाम अपडेट और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ यूएनआई के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।